अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस क्लास सिक्स से जमाते शिशुम से बहुत ही अहम सबक मादा और चीजें, ये जमाते शिशुम का बहुत ही अहम सबक है और इसके अहम नुकात हम आपके लिए यहाँ पर पेश करेंगे। आप जरूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें ताकि कोई भी अहम नुक्ता, कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। और ये वीडियो टेट और टीआरटी फर्स्ट पेपर दोनों के लिए बहुत ही अहम है। मादा और चीजें, इस सबक के अहम नुकात को अब हम यहाँ पर देखेंगे और इस वीडियो के आखिर में आपकी जांच के लिए यहाँ पर चंद सवाल पेश किए जाएंगे। आप जरूर उन सवाल के जवाब दें और अपनी जांच आप खुद करें और जरूर हमें कमेंट कर बताएं कि आपने इस टेस्ट में कितने निशानात हासिल किए हैं। सबसे पहला पॉइंट इस तरह है कि थॉमस आल्वा एडिसन अमेरिका में सबसे पहले वसी पैमाने का बर्फी प्लांट कायम किया। थॉमस आल्वा एडिसन ने अमेरिका में सबसे पहले वसी पैमाने का बर्फी प्लांट कायम किया। जब किसी शय पर सफेद रोशनी चमकती है तो ये मुनक्किस होती है या जज्ब होती है या इसमें से गुजर सकती है। जब किसी शय पर सफेद रोशनी चमकती है तो ये मुनक्किस, जज्ब या इसमें से गुजर सकती है। हम हकीकत में रंग नहीं देखते, जो हम बतौर रंग देखते हैं वो दरअसल किसी शय पर रोशनी के चमकने का असर होता है। हम हकीकत में रंग नहीं देखते, जो हम बतौर रंग देखते हैं वो दरअसल किसी शय पर रोशनी चमकने का असर होता है। ऐसी अशिया जिनमें रखी हुई शय साफ तौर पर नजर आती है, शफाफ, ट्रांसपेरेंट कहलाती है। यानी ऐसी अशिया जिनमें से रोशनी आसानी तौर पर गुजर सकती है, ऐसी अशिया डूबते या तैरते हैं, इसलिए कि इनकी कसाफत इस वास्ते की कसाफत से ज्यादा या कम होती है जिसमें के वो तैरते हैं। अशिया डूबते या तैरते हैं इसलिए कि इनकी कसाफत इस वास्ते की कसाफत से ज्यादा या कम होती है जिसमें के वो तैरते हैं। यानी अशिया के डूबने और तैरने का इन्हिसार वास्ते की कसाफत पर होता है। ऐसी अशिया जिनमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, गैर शफाफ अशिया ओपैक्यू कहलाती है। जैसे स्टील, कार्डबोर्ड वगैरह, ये तमाम गैर शफाफ अशिया की मिसालें हैं। ऐसी अशिया जिनमें से रोशनी नहीं गुजर सकती गैर शफाफ अशिया कहलाती है। जैसे पत्थर, स्टील, लकड़ी, कार्डबोर्ड वगैरह, ये तमाम गैर शफाफ अशिया हैं। वो मादे जिनसे अशिया साफ तौर पर नहीं बल्कि धुंधली दिखाई देती है उनको नीम शफाफ अशिया कहते हैं। या वो मादे जिनमें से रोशनी किसी कदर गुजर सकती है वैसी तमाम अशिया नीम शफाफ अशिया कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर तेल लगा हुआ कागज से हम किसी भी शय को थोड़ा सा देख सकते हैं, यानी वो शय धुंधली नजर आती है। या इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि तेल लगा हुआ कागज से रोशनी किसी कदर गुजर सकती है। ऐसी तमाम अशिया को नीम शफाफ अशिया कहा जाता है। पानी की कसाफत यानी डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम फी मिलीलीटर होती है। पानी की कसाफत 1 ग्राम फी मिलीलीटर होती है। अगर कोई शय जिसकी कसाफत 1 ग्राम फी मिलीलीटर से कम हो तो वो पानी पर तैरती है। पानी की कसाफत 1 ग्राम फी मिलीलीटर होती है। अगर कोई शय जिसकी कसाफत 1 ग्राम फी मिलीलीटर से कम होती है तो वो पानी पर तैरती है। मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस। मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस। मादों की हालत और तपिश उन्हें
होस माया और ग्यासी हालत में तब्दील करती है। मादों की हालत और तपिश उन्हें ठोस माया और ग्यासी हालत में तब्दील करती है। वो मादे जो शक्ल तब्दील करते हैं मायात यानी लिक्विड्स कहलाते हैं। जैसा कि दूध, दूध को अगर मुख्तलिफ बर्तनों में डाला जाए तो वो उस शक्ल को इख्तियार करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मादे शक्ल तब्दील करते हैं, जैसे दूध, तेल, केरोसिन वगैरह। वो मादे जो शक्ल तब्दील नहीं करते ठोस कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, ईंट, प्लास्टिक वगैरह। पानी बर्फ से ज्यादा कसीफ होता है। बर्फ की खलमी साख्त बर्फ को कम कसीफ बनाती है। पानी बर्फ से ज्यादा कसीफ होता है। बर्फ की खलमी साख्त बर्फ को कम कसीफ बनाती है। कैंडल एक लातिनी लफ्ज कैंडेड से माखिज है, जिसके माने हैं चमकना। यानी कैंडल का लफ्ज लातिनी जुबान से लिया गया है, जिसके माने हैं चमकना। शहद की मक्खी के मोम से बनी मोमबत्तियां खुशबूदार होती है और कम धुआं देती हैं। शहद की मक्खी के मोम से बनी मोमबत्तियां खुशबूदार होती हैं और कम धुआं देती हैं। कुछ मादे पानी में हल पजीर और कुछ मादे ना हल पजीर होते हैं। कुछ मादे पानी में हल पजीर और कुछ मादे पानी में ना हल पजीर होते हैं। एक शफाफ शय के जरिए अगर सब्ज रोशनी का गुजर हो तो निकलने वाली रोशनी भी सब्ज होगी। यानी अगर किसी शफाफ शय से हरी रोशनी गुजरती है तो उस शय से निकलने वाली रोशनी भी हरी ही होगी। इसी तरह सुर्ख रोशनी शफाफ शय से गुजरे तो निकलने वाली रोशनी भी सुर्ख होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम आपकी जांच के लिए यहाँ पर अब चंद सवाल पेश करते हैं। आप जरूर इन सवाल के जवाब दें और अपनी जांच आप खुद करें और हमें जरूर कमेंट कर बताएं कि आपने कितने निशानात हासिल किए हैं। इस तरह है कि मादा इतनी हालतों में पाया जाता है। मादा इतनी हालतों में पाया जाता है। ऑप्शन एक है 3, ऑप्शन दो है 4, ऑप्शन तीन है 5, ऑप्शन चार है 1। और आपका वक्त शुरू होता है अब। मादा इतनी हालतों में पाया जाता है, 3, 4, 5 और 1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस। चलिए दूसरे सवाल की जानिब अब हम। सबसे पहले अमेरिका में इसने बर्फी प्लांट कायम किया। सबसे पहले अमेरिका में इसने बर्फी प्लांट कायम किया। ऑप्शन एक है कोपरनिक्स, ऑप्शन दो है गैलीलियो, ऑप्शन तीन है न्यूटन और ऑप्शन चार है थॉमस आल्वा एडिसन। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सबसे पहले अमेरिका में इसने बर्फी प्लांट यानी बिजली का कारखाना कायम किया है, किसने कायम किया? और इसका सही जवाब है थॉमस आल्वा एडिसन ने सबसे पहले अमेरिका में बर्फी प्लांट को कायम किया। और थॉमस आल्वा एडिसन ही ने बर्फी बल्ब को ईजाद किया। तेल लगा हुआ कागज मिसाल है। तेल लगा हुआ कागज मिसाल। ऑप्शन एक शफाफ शय की, या ऑप्शन दो नीम शफाफ शय, या ऑप्शन तीन गैर शफाफ शय, या ऑप्शन चार हल पजीरी की। और आपका वक्त शुरू होता है अब। तेल लगा हुआ कागज मिसाल है, शफाफ, नीम शफाफ, गैर शफाफ या हल पजीर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नीम शफाफ शय है, तेल लगा हुआ कागज। चलिए सवाल नंबर 4 की जवाब। पानी की कसाफत होती है, पानी की कसाफत होती है। एक है 1 ग्राम फी मिलीलीटर, ऑप्शन दो है 10 ग्राम फी मिलीलीटर, ऑप्शन तीन है 100 ग्राम फी मिलीलीटर और ऑप्शन चार है 1000 ग्राम फी मिलीलीटर।
और आपका वक्त शुरू होता है अब। पानी की कसाफत होती है 1 ग्राम फी मिलीलीटर, 10 ग्राम फी मिलीलीटर, 100 ग्राम फी मिलीलीटर या 1000 ग्राम फी मिलीलीटर। और इसका सही जवाब है 1 ग्राम फी मिलीलीटर, ये पानी की कसाफत होती है। चलिए आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है। जब किसी शय पर सफेद रोशनी चमकती है तो ये, जब किसी शय पर सफेद रोशनी चमकती है तो ये मुनक्किस होती है या जज्ब होती है या इसमें से गुजर सकती है। ये तमाम मुनक्किस होती है, जज्ब होती है, इसमें से गुजरती है या ये तमाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जब किसी शय पर सफेद रोशनी चमकती है तो ये मुनक्किस होती है, जज्ब होती है, इसमें से गुजरती है या ये तमाम। तो इसका सही जवाब है ये तमाम, यानी रोशनी की एक खासियत है कि वो मुनक्किस होती है या जज्ब होती है या इसमें से गुजर सकती है, ये रोशनी की खासियत है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास का अख्तिताम होता है। आप जरूर जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।